हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूँ हेल्प गुरु चैनल। फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बना करके दिखाने वाला हूँ एक ब्लूटूथ हेडफोन जो कि काफ़ी इजी है और आप इसे कुछ ही पैसे लगा करके आप इसे बना सकते हो। तो किस तरीके से मैं बनाऊंगा वो मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आपको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ख़राब हेडफोन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आपके पास नया अगर आप लेते हो तो आप लोग उसे यूज मत कीजिएगा, क्योंकि नए वाले को ख़राब करना अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए आप कोई पुराना होगा तो आप उसका यूज कर सकते हो, नए वाले को डायरेक्ट आप मोबाइल पर ही लगा करके आप इसे यूज कीजिएगा, वही उसमें ही आपका मतलब बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक पुराना हेडफोन था जिसके दो स्पीकर होते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि एक साइड की स्पीकर आप कभी भी यूज नहीं करते हो, हमेशा आप दो ही साइड की यूज करना बेस्ट समझते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है इसे भी प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो इसे चलाने के लिए मतलब स्पीकर को बजाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक लिथियम आयन बैटरी जो कि 3.7 वोल्ट की होती है और 2000 mAh की होती है, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप भी देती है। तो आप लोग इसे यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास ये वाली बैटरी नहीं है तो आपके लिए भी मैं यहाँ पर लाया हूँ, देख सकते हो ये मोबाइल की बैटरी है जो कि 3.7 वोल्ट की ही सब होती है, ये बैटरी आप यूज कर सकते हो। मान लो आपके पास ये भी नहीं है तो जो आप पुराने फ़ोन्स देखते थे नोकिया वाली फ़ोन्स उसकी बैटरी यूज में ले सकते हो, या अगर आपके पास इस तरीके की बैटरी है जो कि मैक्सिमम ये लैपटॉप में लगी हुई रहती है, ये वाली बैटरी देख सकते हो, ये 1.5 वोल्ट वाली बैटरी है जो कि रिमोट्स में लगती है, आपको पता ही है, और इसका भी काफ़ी अच्छा बैकअप होता है। आप इसे 3 बैटरी ले करके यूज कर सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास एक और बैटरी है, ये है आपको पता ही है फ्रेंड्स, जो आपके होम थिएटर्स होते हैं उसमें ये वाली बैटरी लगी हुई रहती है, ये 3 वोल्ट की होती है, और ये भी मतलब जो मैं मॉड्यूल यूज में लूँगा उससे ये इजिली चल जाएगा। सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो मॉड्यूल है ये 3.7 वोल्ट ही लेती है, लेकिन अगर आप इसमें 5 वोल्ट पूरा देते हो तो ये और भी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो ये मॉड्यूल आपको लोकल मार्केट में 50 से 60 रुपए में मिल जाएगा, ऑनलाइन में काफ़ी महंगा भी मिल सकता है। और यहाँ पर मैं एक LED ले लूँगा जिसकी वजह से हम इसे पता भी कर सकते हैं, और आप इसे चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए जीनेट डायोड यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर चार्जर नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में मैंने चार्जर बना करके आपको दिखाया है, और मैं यहाँ एक छोटा सा मिनी स्विच ले रहा हूँ जिसकी हेल्प से मैं इसे ऑन ऑफ करूँगा। अगर आप चार्जर बनाते हो तो आपको स्लीप की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि बिना स्लीप का जो डायोड है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है और वो काम नहीं करता, जल जाता है। तो यहाँ पर जो हेडफोन्स है उसके दोनों वायर मैंने कुछ इस तरीके से निकाल लिए हैं, आपको इसे सावधानी से निकालना होगा क्योंकि जो इसमें वायर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो अब इसकी जो वायरिंग है वो आपको कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। ये रेड वाला वायर है और ये येलो कलर का है, ये ग्रीन और ये ब्लू। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर रेड और जो येलो कलर का वायर है उसे आपको छोड़ देना है, क्योंकि मॉड्यूल में हमारा राइट लेफ्ट और ग्राउंड होता है। तो ये हुआ ग्राउंड लेफ्ट और राइट के लिए, राइट के लिए रेड वाला वायर है, ग्राउंड के लिए ये ग्रीन और ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन मैंने लगाया था वो है, और जो एक जो बचता है ब्लू कलर का सर्पेंट जो दूसरा वाला वायर जो बचता है वो हमारा होगा पॉजिटिव का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो जितने मॉड्यूल्स है स्विच है और इस हेडफोन्स के जो वायर्स है उन सभी को यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें चिपका लेना पड़ेगा। तो मैंने सभी को यहाँ पर ग्लूगन की हेल्प से चिपका लिया है, जितनी चाहो बेटर टाइप से मतलब इसमें लगा सकते हो। मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं देखते हो, शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हो। तो देखिए जो ये जो वायर है ये हमारी नेगेटिव होगी जो कि LED का नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, इसे हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना होगा, एक डायरेक्ट बैटरी में जाएगा जो कि मैं आगे कनेक्शन बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका वायर कहाँ पर कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो स्विच का जो वायर है उन सभी को मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो स्विच का जो कनेक्शन है उसका फर्स्ट लेग मैंने यहाँ पर मॉड्यूल के नेगेटिव पॉइंट के साथ
इस तरीके से शोल्डर कर दिया। अगर आपको नेगेटिव का मतलब नहीं पता है तो मैं ग्राउंड बोल देता हूँ। ग्राउंड पर आपको शोल्डर करना है और यहाँ पर जितने भी राइट लेफ्ट और ग्राउंड वाले वायर्स थे उसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि मिडिल वाला ग्राउंड है और लेफ्ट राइट हमारा इसके साइड वाला है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ सामने से। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे शोल्डर कर लेना पड़ता है और आपको भी सेम प्रोसेस ही करना है, क्योंकि मॉड्यूल सभी मॉड्यूल्स पर इसी तरीके से इसमें प्रिंटेड होता है, आप प्रिंट्स की हेल्प से शोल्डर कर सकते हो। अब जो एलईडी है, मतलब एलईडी का नेगेटिव, उसे हमें डायरेक्ट यहाँ पर मॉड्यूल में लगाना है नेगेटिव पॉइंट पर। और जो वायर है यहाँ पर देख सकते हो, एक और वायर मैंने यहाँ पर लिया है जो कि डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव में लगाया हूँ। अब हमारा कनेक्शन जो है वो कंप्लीट है, सिंपली बस जो एलईडी और मॉड्यूल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस वायर को हमें डायरेक्ट बैटरी के साथ में अटैच कर देना पड़ेगा, मतलब सोल्डर कर देना पड़ेगा। तो फाइनली कनेक्शन जो है तो वो आपके सामने है। और अगर आप चाहते हो कि इसका सर्किट डायग्राम भी मैं आपको दे दूँ तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप जैसे ही कमेंट करते हो मैं वहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम इसका दे दूँगा। और यहाँ पर मैं एक पीवीसी पाइप का एक सीट लिया था जिससे मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, जिसके हिसाब से आप कोलर में लगा के यूज कर सकते हो। तो अब मैंने इसे पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको इसे चेक करके भी दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता ही है एयरफोन की साउंड कितनी कम होती है, तो मैं इसे माइक के पास में लेके जाऊंगा और आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यह स्टार्ट हो गया है। जैसे ही यह स्टार्ट होता है इसमें एक साउंड आती है जो कि मैं आपको सुना देता, लेकिन आपको पता ही है कि इसे चेक करना मुश्किल है। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले सॉन्ग को चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे पेयर कर लेता हूँ, मतलब इसके साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अब ये कनेक्ट हमारा हो गया है। तो अब मैं आपको इसे तुरंत से चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक स्पीकर को चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं सबसे पहले सॉन्ग को प्ले कर दिया हूँ। अब मैं आपको इसके साउंड को चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये पहली वाली स्पीकर है, मैं इसे माइक के पास में ले जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपने सुन लिया होगा। अब ये दूसरा वाला स्पीकर है, इसे ही मैं माइक के पास में लेकर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसे चेक करके दिखा दिया है, और आप इसकी जगह पर छोटे वाले जो स्पीकर्स होते हैं, मतलब बैटरीज जो होते हैं, आप उसे भी यूज में ले सकते हो, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे तरह से वर्क करेंगे और उसका जो बैकअप आएगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इतनी बड़ी तो आप कहीं पर भी लेकर के नहीं जा सकते हो, लेकिन आप इसे छोटी वाली बैटरी लोगे तो वो मैक्सिमम जो ये मॉड्यूल है इसके साइज में ही आता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो अब मैंने इसे पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको इसे चेक करके भी दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता ही है एयरफोन की साउंड कितनी कम होती है, तो मैं इसे माइक के पास में लेके जाऊंगा और आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यह स्टार्ट हो गया है। जैसे ही यह स्टार्ट होता है इसमें एक साउंड आती है जो कि मैं आपको सुना देता, लेकिन आपको पता ही है कि इसे चेक करना मुश्किल है। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले सॉन्ग को चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे पेयर कर लेता हूँ, मतलब इसके साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अब ये कनेक्ट हमारा हो गया है। तो अब मैं आपको इसे तुरंत से चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक स्पीकर को चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं सबसे पहले सॉन्ग को प्ले कर दिया हूँ। अब मैं आपको इसके साउंड को चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये पहली वाली स्पीकर है, मैं इसे माइक के पास में ले जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपने सुन लिया होगा। अब ये दूसरा वाला स्पीकर है, इसे ही मैं माइक के पास में लेकर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसे चेक करके दिखा दिया है, और आप इसकी जगह पर छोटे वाले जो स्पीकर्स होते हैं, मतलब बैटरीज जो होते हैं, आप उसे भी यूज में ले सकते हो, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे तरह से वर्क करेंगे और उसका जो बैकअप आएगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इतनी बड़ी तो आप कहीं पर भी लेकर के नहीं जा सकते हो, लेकिन आप इसे छोटी वाली बैटरी लोगे तो वो मैक्सिमम जो ये मॉड्यूल है इसके साइज में ही आता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा।